ये तो वही जगह है जहाँ पे मैं कल रात को आया था, पर मैं तो अपने घर पे था। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर जाना है। और भाई साहब आपकी वो साइकिल ले जाना, वो जो आपने दुकान पे छोड़ी थी मेरे से ठीक कराने को। हैं? कौन सी साइकिल? और मैं कौन हूँ? अरे भैया कल रात को मेरे पास साइकिल छोड़ के गए थे। जाओ चलो मेरी दुकान पे चलो, मैं बताता हूँ। चलो ये क्या है, ये किसकी साइकिल है? अरे भाई साहब ये आपकी तो साइकिल है, कल रात को पंचर बनाने को दी थी आपने। नहीं मेरी साइकिल है भैया, मैं कल रात को अपने घर पे था, बस मुझे इतना ही याद है, उसके आगे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, कल रात को तुम किसी बाबा? हाँ भैया हाँ 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 वही वो चिमटे वाले बाबा। हाँ 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 मैं सब समझ गया। पंचर वाला हैप्पी को देख के सब समझ जाता है और उसे अपनी कहानी बताने लगता है। ये बाबा ना जाने कितने लोगों को भी अपने घर से अलग कर देगा। खैर छोड़ो, ये लो भाई साहब आपकी साइकिल तो तैयार हो गई। ऐसा करो आज रात को आप मेरे घर पे ही रुको और कल देखते हैं फिर आपके घर के बारे में ढूंढेंगे। पंचर वाला शाम को अपने साथ हैप्पी को घर ले जाने लगता है। लो भाई साहब ये खाना खाओ। और मैं हूँ कौन? और मैं, अरे बस 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 मैं सब समझ गया। आज से करीबन 8-10 साल पहले मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था। भूत प्रेतों पर मैं भी यकीन नहीं करता था। अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, तभी मैं किसी तरह से बाबा से मिला और वही फिर जो तुम्हारे साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ। मुझे भी ये मेरे घर वाले याद नहीं, करीब 8-10 साल से मैं भी अपने घर वालों से नहीं मिला हूँ। कल से तुम भी मेरे साथ पंचर बनाने चलना, ठीक है? मुझे नहीं जाना है कोई पंचर वंचर बनाने, मुझे बस मेरे घर जाना है। मुझे प्लीज मेरे घर पहुँचा दो। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। हेलो भैया तुम्हारी साइकिल की चाबी है भाई साहब, इस पर आपका आइडेंटिटी कार्ड है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये तो मैं हूँ हैप्पी, और इस पे तो मेरे घर का भी एड्रेस है। अरे वाह भाई साहब आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले। ये अब मैं घर जा पाऊंगा। ये घर जाते ही हैप्पी अपने घर वालों को दोबारा सारी बातें बताता है। घर वाले इस बात को मजाक में लेकर टाल देते हैं और उसे थोड़ा सा आराम करने को कहते हैं, पर हैप्पी अब खुश था कि हाँ आखिरकार वो अपने घर पे सही सलामत पहुंच चुका है। भारी थकान के कारण वो कमरे में जाते ही सो जाता है। अरे हैप्पी कब तक सोता रहेगा? अरे स्कूल का टाइम हो गया तेरे, उठ जा। हैप्पी कहता है, अरे मम्मी मैं अभी आया हूँ, इतने लंबे सफर के बाद थोड़ा आराम तो करने दो। अरे कौन सा सफर, सुबह के 8 बज रहे, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? हैं? पर मम्मी मैं तो अभी आया हूँ। 8 बज रहे? और क्या, पर मैं तो दिन में 2 बजे आकर सोया था, अभी तो 5 बजने चाहिए। मतलब ये सब एक सपना था? मैं इतना बुरा डर गया था ना मम्मी, कल रात को मैंने ऐसा सपना देखा, मतलब इतना ज्यादा डर गया था ना मैं। मतलब मैं सपने में भी आकर सो ही रहा था। हाँ तो है ही बहुत, जो बंदा सपने में भी सोता रहा है वो क्या ही करेगा सबकी जिंदगी में। भूत प्रेत अभी भी कुछ नहीं होते। तेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। अरे तू चुप कर बट्टू। तेरी वजह से रात को सपने में भी मैं रो रहा था, पता है तेरे को। पर ये सब सपना अपना होता है। देख भाई मेरी बात मान, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब इंसानों को वहम है, ये सब जोकर होते हैं। मैं इनको ना कभी मानता था ना कभी मानूंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है। घर जाते वक्त रास्ते में हैप्पी को एक बूढ़ा सा परेशान सा आदमी दिखता है। क्या हुआ अंकल जी, क्या बात हो गई, ऐसे परेशान से क्यों दिख रहे हो? बेटा मुझे तंदोला गांव जाना है पर मुझे रास्ता नहीं पता। अरे अंकल जी इतनी दूर जाओगे? ऐसा करो, ये तंदोला के गांव के आगे एक अच्छी सड़क जाती है, श्मशान घाट के आगे से नुक्कड़ पे घूमोगे आपको आ जाएगा आपका तंदोला गांव। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जाता हूँ। ये तो वही आदमी है, ये तो वही आदमी है, भागो भागो भागो।